इस्लामिक महीनों में सबसे ज़्यादा महत्व रमज़ान के महीनों की होती है। रमज़ान शरीफ के रोज़े, ज़कात और फितरों को लेकर हमने मस्जिद के पेश इमाम से ख़ास बातचीत की है। आइए देखते हैं बातचीत के ख़ास अंश। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, बहुत ही मुबारक महीना होता है रमज़ान शरीफ का। मुसलमानों के लिए तो इतनी अहमियत रखता है कि इन्हें मग़फ़िरत वाला महीना ये कहा जाता है। तो रमज़ान शरीफ का महीने की क्या फजीलत है, रमज़ान शरीफ के रोज़े की क्या फजीलत है, क्या कितने रोज़े कैसे अफजल हैं, क्योंकि सभी को माशरों में बांटा गया है, इन सब को लेकर हम एक ख़ास चर्चा करना चाहेंगे। और हमारे साथ मौजूद है जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना इकबाल अंजुम। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, आपका स्वागत है। मैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देती हूँ आपको, और ये जानना चाहती हूँ कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो इस्लामिक 12 महीनों में से कौन से नंबर का महीना है? इस्लामी के अतबार से माह रमज़ान मुबारक का जो नंबर आता है वो नवा महीना आता है, यानी नवे महीने में रमज़ान महीने का रमज़ान का महीना आता है। रमज़ान शरीफ के जो 30 रोज़े होते हैं उनकी क्या फजीलत होती है? देखिए, माह रमज़ान के रोज़े की बहुत फजीलत है। हमारे प्यारे नबी प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और जिसने तरावी की नमाज़ पढ़ी, रात में क़याम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जैसे 30 रोज़ों में से 10-10 रोज़ों को ऐसा डिवाइड किया गया है, मतलब माशरों में बांटा गया है, तो 10 रोज़े की फजीलत, फिर 10 रोज 20 की और फिर 30 की कैसी फजीलत है? देखिए, इसमें अशरा बोलते हैं इसे, 10 रोज़े रहमत के होते हैं, 10 रोज़े मग़फ़िरत के होते हैं, और 10 रोज़े जो आखिरी हैं वो जहन्नम से आज़ादी के होते हैं। और हर एक का अपना अपना एक मरतबा है। जो पहला 10 रोज़ा होता है वो रहमत वाला, दूसरा मग़फ़िरत वाला, और तीसरा जो आखिरी होता है वो जहन्नम से आज़ादी वाला। इमाम साहब, एक ऐसा नियम है कैसा कि जिसको फॉलो करना होता है हम सब मुस्लिमों को, कि ज़कात और फितरा का एक इसमें नियम है। ज़कात और फितरा क्या होता है और वो ज़रूरी क्यों है मुस्लिमों के लिए? देखिए, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब भी हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो ज़कात और फितरा एक तरह से दुनिया के निज़ाम को चलाने का बेहतरीन निज़ाम है, और इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि एक इंसान अमीर के पास ही पैसा, पूरा पैसा ना रहे, बल्कि अमीर अपने पैसे से जो उन्होंने पैसा कमाया है, दौलत कमाई है, अपने उन दौलत कमाई हुई चीज़ों में से 2.5% जो है गरीबों के लिए वो निकाले। इससे क्या है, मुआशरा बिल्कुल बेहतर रहेगा, और जो गरीब हैं उनकी भी जो है तरबियत हो सकती है, और उनके उनका तआवुन हो सकता है, उनकी मदद हो सकती है। जैसे फितरा जो है कितना तय किया जाता है पर पर्सन के लिए? देखिए, फितरे की तो कई सूरतें हैं। गेहूं से भी निकाला जाता है, जौ से भी निकाला जाता है, और खजूर और किशमिश से भी निकाला जाता है, लेकिन जो आम तौर पर मुस्लिम माशरे में रिवाज पाया हुआ है वो गेहूं का है। जो अभी जो रकम है 2 किलो 45 ग्राम के हिसाब से, अभी जो भिलाई की जो रकम है वो फ़ी फ़र्द फ़ी कस जो है 75 रुपये हैं। बाकी आप कोई अगर किशमिश से निकालना चाहे तो वो 4 किलो किशमिश, या खजूर से निकालना चाहे तो उसकी जो मकदार है उससे भी वो निकाल सकता है। और मेरी तो गुजारिश यही है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है तो आप कम में क्यों निकालें, आप क्यों से क्यों निकालें। और हम तो ये हमेशा मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं कि अगर आप घर में 4 मेंबर हैं, 4 फ़र्द हैं, तो किसी के नाम से गेहूँ से निकाल दें, किसी की खजूर के, किसी की किशमिश से, किसी के जौ से, आप उसकी मकदार क्या है, क्या रकम निकलेगी, आप अपनी करीब की मस्जिद के इमाम से मालूम कर सकते हैं। और ज़कात का क्या है? ज़कात 2.5% निकलता है इंसान, जैसे 100 रुपये में 2.5 रुपये निकलता है। तो ज़कात का निज़ाम ये है कि एक निसाब होता है, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, इसकी पूरी डिटेल और तफसील होती है। या तो आप 7.5 तोला सोना के मालिक हैं, या आप 52.5 तोला चांदी के मालिक हैं, या आप थोड़ा सोना है और चांदी आपके पास है इतनी, या इतनी रकम आपके पास है जिसे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, ये पूरी तफसीलात हैं। इन सारी तफसीलात की नज़र में, या बिजनेस का माल है, तजारत का माल है, उन मालों में इतनी रकम पहुंच जाती है कि आप 52.5 तोला चांदी के मालिक हैं ज़रूरत के अलावा, तो आप पर ज़कात लाजिम हो जाती है। जैसे रोज़ों की फजीलत के बारे में बात करें, किन किन चीज़ों से रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है? देखिए, रोज़ा गीबत से, चुगली से, झूठ से, दगाबाजी से, किसी को फरेब से, किसी को गाली गलौज से, इन सब चीज़ों से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़ा मकरूह ज़रूर, और इसके जो रोज़े की नूरानियत है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि रोज़ा का मकसद ही यही है कि लोगों की ज़बान पर ताले लग जाएँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ भूख और भूख भूखा रहने को पसंद नहीं किया, कि रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि भूख एक तरबियत के दिया गया है, तरबियत का हिस्सा है। और मकसद जो है वो ये है कि बंदा तकवा इख्तियार करे, और तकवे में सारी चीज़ें आती हैं कि बंदा झूठ ना बोले, गीबत ना करे, धोखा ना दे, और किसी के साथ गलत व्यवहार से पेश ना आए। एक थोड़ा सा सवाल करना चाहती हूँ, अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, और कई जगह जब बैठती हूँ तो ये नहीं, बहस भी छुट जाती है, शिया और सुन्नी इसमें क्या फ़र्क?
इनकी देखिए दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। मैं तो समझता हूँ कि इन सब मामलों में ना पढ़ के मुआशरे को जड़ा जाए और मुआशरे में मोहब्बत और प्यार बांटी जाए और ये जो आपस के मामलों हैं वो किताब तक ही महदूद रहें, और जिसको जानने का है तो अपने करीब के इमाम साहब से मालूम कर सकते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुन्नी जो होते हैं, जो अहले सुन्नत व जमात के लोग होते हैं, वो नबी करीम के बाद यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो पहला खलीफा मानते हैं वह तो सिद्दीक को मानते हैं, दूसरा उमर फारूक को मानते हैं, तीसरा उस्मान गनी को मानते हैं और चौथा मौलानी को मानते हैं। लेकिन शिया आइडियोलॉजी में ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो सबसे पहला मकाम आता है उनके आइडियोलॉजी में उनके ख्याल के हिसाब से मौलानी का नंबर होता है। ये फ़र्क है जो बुनियादी मैं एक फ़र्क बता रहा हूँ, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़र्क करती हैं। जैसे मैं सुन्नी मुस्लिम मुस्लिम परिवार से हूँ, अक्सर जब फातिमा ज़हरा का खिलाती हूँ तो कई लोग मुझे रोकते हैं, तो ये क्या माशरा है, क्योंकि इसमें भी क्या डिवाइडेशन है, क्या कारण है, कई लोग रोकते हैं। लेकिन फातिहा दुरूद से रोकने वाले वो उनकी उनकी आइडियोलॉजी है, उनके ख्यालात हैं, उनसे जब कभी बात होगी तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हम आपके लिए एहसास बात करते हैं कि फातिहा जो फातिहा दुरूद और ये लंगर वगैरह ये असल में एक तरह से सदका और खैरात है, और सदका व खैरात ये कुरान का हुक्म है। किसी चीज़ को नाम देने से उसका उसका हुक्म नहीं बदल जाएगा। जैसे अब ग्यारहवीं शरीफ हम बोलते हैं तो ग्यारहवीं शरीफ गौस पाक के नाम से हम मनाते हैं, लेकिन असल जो मकसद होता है वो सदका होता है, वो खैरात होता है। एक तरह से लोगों को मिल बांट के उनको खिलाना या इस तरह। जी जी जी, मेन मकसद ही होता है, हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। ये जैसा फॉर एग्जांपल आप शादी होती है या वलीमा होता है तो हमें अगर खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, वलीमे का खाना है। हालांकि वलीमे का खाना मुझसे वो वलीमा का खाना तो नहीं हुआ ना, मतलब ये कि आप किसी की दावत कर रहे हैं तो मकसद वही है, ग्यारहवीं है या छठी शरीफ है या बारहवीं शरीफ का खाना है। तो मकसद ये है कि नाम से पहचान होती है कि इनके नाम से ये सवाब हो रहा है, लेकिन ये काम अल्लाह की रजा के लिए। सभी फर्जों में एक फर्ज रोज़ा है, अगर रोज़ा जो कितनी उम्र से रखना चाहिए और जिनके छूट जाए वो उसके एवज में जैसे कुछ होता है ना उसका फुफारा तो क्या। जी रोज़ा जो रखने की उम्र है, हमें इसके लिए भी नबी करीम की ज़िंदगी में सीरत में एक पार्ट मिलता है कि रोज़ा बचपन से ही रखवाने की आदत डालनी चाहिए। और हमें ये भी मिलता है कि जब कोई रोज़ा रखता था उस वक्त कोई बच्ची रोज़ा रखती थी तो उनकी माँ जो है गुड़िया डॉल वगैरह के साथ उनको बना बना के खेलती थी, तो बचपन से ही तरबियत करनी चाहिए। रही बात रोज़े के फ़र्ज़ होने की, तो इस्लाम में जो रोज़ा फ़र्ज़ होता है वो बुलूगत के बाद यानी जब एडल्ट में शुरू, जब इंसान के अंदर बुलूगत यानी बालिग होने की निशानी पाई जाती है, बड़े होने की निशानी पाई जाती है। लड़की की जो नॉर्मली जो मुआशरे के हिसाब से वो 9 से 12 साल है और लड़के की जो है 9 से 15 साल है, इस बीच में अगर बालिग होने की निशानी पाई जाती है तो रोज़ा उसी दिन से उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि वसवसा बहुत पाल के रखे रहते हैं, उस वजह से उनकी नमाज रोज़े और बहुत कुछ छूटते हैं, बार बार वजू करना या बार बार नियत बांधना, इन्हें उनके ऐसे ख्यालात होते हैं कि वो डिस्टर्ब करता है इबादत करने में, वो किस तरह का वसवसा इसको दूर कैसे किया जा सकता है। देखिए वसवसा ये शैतान की तरफ से होता है और इसके लिए बेहतरीन वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीय्युल अज़ीम का है। अगर किसी के नमाज में वसवसा आ रहा हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज शुरू करने से पहले 3 बार राइट कंधे की तरफ और 3 बार लेफ्ट कंधे की तरफ, मतलब इस तरह से थूकें कि थूक ना हो, बस थूक का की शक्ल बने, और 3 बार ला हौल पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीय्युल अज़ीम दाएँ और 3 बार बाएँ, तो इंशाल्लाह ताला नमाज में जो वसवसे आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और वजू में अगर पेशाब के कतरे के वसवसे आते हैं तो इसके लिए भी नबी करीम की सुन्नत में हमें चीज़ें मिलती हैं कि नबी करीम ने फरमाया अगर किसी को वजू करने में पेशाब के कतरे वगैरह का वसवसा आता हो तो वजू करने के बाद वो थोड़ा सा पानी हाथ पर लेकर अपने दामन के नीचे छिड़क ले तो इंशाल्लाह ताला उससे वो वसवसे दूर हो जाएंगे। एशियन ये अपनी भिलाई का बेहतरीन चैनल है और हर खबर को बहुत जल्दी पहुंचाता है लोगों तक, और हम एशियन देखने वालों के लिए यही कहेंगे कि आप भिलाई में अमन और शांति कायम रखें और भिलाई के लिए दुआ करें कि मालिक जो है भिलाई को नज़रबस से बचाए, भिलाई को दिन दुनी रात चुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रमज़ान शरीफ में ख़ास पेशकश एशियन की ओर से थी तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के लिए। हम चर्चा किए हैं पेश इमाम साहब से, उन्होंने काफ़ी ज़रूरी मालूम दिए हैं किस तरह का रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात के क्या मायने हैं और सदका फितरा किन्हें देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। आगे भी हम रमज़ान को लेकर आपके साथ बने रहेंगे और आपको ज़रूरी मालूम देते रहेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया।